देखिए, अगर आप एक प्रेस लेना चाह रहे हैं और अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको एक ड्राई प्रेस लेनी चाहिए या फिर एक स्टीम प्रेस लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। दोनों ही प्रेस के फायदे नुकसान एक बार देख लेते हैं ताकि आपको जो है डिसाइड करने में आसानी रहे। जहाँ तक ड्राई प्रेस की बात है, तो अगर सबसे पहले हम प्राइस देख लेते हैं, दोनों के प्राइस डिफरेंसेस क्या है दोनों में, तो ड्राई प्रेस जो है एक स्टीम प्रेस के मुकाबले लगभग आधे मूल्य पर आती है, तो ये उसका एक फायदा होता है। अब सेकंड बात पर आते हैं हम। अगर हम ड्राई प्रेस से कपड़े प्रेस करते हैं और एक स्टीम प्रेस से अगर हम कपड़े प्रेस करते हैं काफ़ी समय तक, तो ड्राई प्रेस से जो कपड़े हैं पुराने से लगने लग जाते हैं कुछ समय बाद में, उनमें जो सिलाइयाँ वगैरह है वो चमकने लग जाते हैं पैंट की और शर्ट्स वगैरह की, और जहाँ थोड़ा उठा हुआ भाग है वो भी जो चमकने लग जाता है। तो ड्राई प्रेस को यूज करते रहने से कपड़े काफ़ी जल्दी जो है पुराने दिखने लगते हैं, लेकिन स्टीम प्रेस में ऐसा नहीं होता। स्टीम प्रेस से जो है कपड़े काफ़ी समय तक हमें जो है नए से दिखाई देते हैं, और वो जो उसका जो सिलाइयाँ चमकना वगैरह वो इसमें नहीं होता स्टीम प्रेस को यूज़ करने से। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर अगली बात पे जो हम आते हैं, वो एक और डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो ड्राई प्रेस है वो कपड़ों को बहुत जल्दी जो है जला देती है, पकड़ लेती है कपड़ों को, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कपड़े के जलने के। लेकिन जो हमारे स्टीम प्रेस है इसमें उसके कंपेरेटिवली बहुत कम चांस होते हैं कि कपड़ा जो है जले, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करें तो अगर ड्राई प्रेस से, तो उसके मुकाबले ये कम चांस है इसमें कि कपड़े को जला देगी। अब एक और बात करते हैं दोनों के फंक्शंस की, कि फंक्शंस क्या क्या है। देखिए, ड्राई प्रेस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कपड़ों को जो है अगर रिंकल ज़्यादा है और कॉटन वगैरह के कपड़े हैं, तो हमें उसको जो है पानी के छींटे मारकर जो है थोड़ा मॉइस्ट करना पड़ता है, थोड़ा नरम करना पड़ता है, तब जाके वो ड्राई प्रेस उन रिंकल्स को आसानी से निकाल पाती है। और कई बार तो उसके बावजूद भी कुछ रिंकल्स ऐसे होते हैं जो ड्राई प्रेस नहीं निकाल पाती। तो इस मामले में स्टीम प्रेस जो है उससे बहुत बेहतर है। इसमें जो है अगर हमें मॉइस्ट करना है, तो उसके लिए देखिए हर स्टीम प्रेस में एक ये स्प्रे फंक्शन जरूर दिया जाता है। यहाँ पर ये एक स्प्रे फंक्शन है जो पानी को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है स्प्रे करने की, तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इसके अंदर एक और दिया है, अगर इससे भी कम पानी चाहिए हमें स्प्रे का, तो हम इस लीवर को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी एक स्टीम प्रेस का जो है फंक्शन रहता है। फिर अगर फिर भी और भी अगर ऐसा कोई रिंकल है जो हार्ड है, नहीं निकल रही है इन पानी से भी, तो एक बस्ट फंक्शन अच्छी प्रेसेज में कईयों में दिया जाता है। इससे जो है एक प्रेशर निकलता है स्टीम का तेजी से, और वो उस क्रीज को आसानी से जो है बैठा देता है उस जगह से, और रिंकल्स निकाल देता है वो आसानी से जो है। तो ये स्टीम प्रेस में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन से इसमें होते हैं उसके मुकाबले। इसकी दूसरी बात, इसे जो ग्लाइडिंग है एक नॉर्मल उसके मुकाबले, ड्राई प्रेस के मुकाबले, इस स्टीम प्रेस में नॉन स्टिक इसकी कोटिंग होती है, इसके कारण ये जो है कपड़ों में बहुत अच्छा सा है, ग्लाइड करता है, बहुत अच्छा हमें फील देता है प्रेस करते समय। एस्थेटिक बात करें तो ऑब्वियसली जो है स्टीम प्रेस जो है हमारे ड्राई प्रेस के मुकाबले ज़्यादा सुंदर नज़र आती है, रखी हुई इसकी जो है सुंदरता उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है ड्राई प्रेस के मुकाबले। मेंटेनेंस के बारे में अगर दोनों में मैं डिफरेंस बताऊं, तो ड्राई प्रेस की मेंटेनेंस इसके मुकाबले सस्ती होती है। अगर ये खराब हो जाती है तो इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो दो मामलों में बस ये स्टीम प्रेस जो है ड्राई प्रेस से थोड़ी पीछे रहती है। एक तो इसके कॉस्ट के बारे में, जो इसके इनिशियल कॉस्ट आती है, लेकिन वो तो कवर हो जाती है। अगर इनिशियल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे ड्राई प्रेस जो पुराने कर देती है कपड़ों को, लेकिन उसी उन्हीं कपड़ों को ज़्यादा समय तक जो है नया बना के रखती है, तो वो वहाँ कवर हो जाती है दोनों चीज़ें। तो वहाँ जरूर इसमें जो है डबल पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़ों को ज़्यादा समय तक ये नया बना के रखती है, तो वहाँ कोई डिफरेंस होता नहीं है, वो लगभग हमारा डिफरेंस कवर हो जाता है। दूसरी बात रिपेयरिंग की बात आती है, तो स्टीम प्रेसेज वैसे तो देर से ख़राब होती है, इतनी जल्दी जल्दी ये ख़राब नहीं होती स्टीम प्रेस। और अगर हमारे कपड़े नए बने रहते हैं ज़्यादा समय तक, तो कपड़े महंगे होते हैं और नए बने रहते हैं, तो हमारे जो है दोनों ही, चाहे रिपेयरिंग कॉस्ट हो चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, दोनों प्रेसेज में वो हमारा जो है आगे आके बराबर हो जाता है उस मामले में। बाकी जो दोनों प्रेसेज में जो थर्मोस्टेट है, इनके फंक्शन लगभग सेम रहते हैं। वह अलग अलग फैब्रिक्स के लिए इसमें जो है थर्मोस्टेट दिया है टेम्परेचर सेट करने के लिए, कॉटन लिनन वगैरह, वो सभी प्रेसेज में ये लगभग
ऑटोमेटिक जितनी प्रेसीज है उनमें सभी में थर्मोस्टेट देखने को मिलता है एक जैसा ही। जो अलग फंक्शंस है वो सिर्फ यही है, इसमें स्प्रे फंक्शंस, बश फंक्शन, हमारा स्टीम फंक्शन जो है, ये सारा जो है इसको अलग बनाता है उस मुकाबले में। तो हमें छींटे देके जो है उसको इसमें जो है नरम नहीं करने पड़ते पहले कपड़ों को प्रेस करने से पहले, और इसमें कंटिन्यूस देखिए इस जो है स्टीम निकलती रहती है, कंटिन्यूस इसमें स्टीम निकलती रहती है जो हमारे जो है रिंकल्स को आसानी से जो है सेट कर देती है। तो अगर मेरी राय में आप पूछें कि आपको कौन सी प्रेस लेनी चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि आपको एक स्टीम प्रेस ही इस बार लेनी चाहिए। स्टीम प्रेस की जो इनिशियल कॉस्ट है वो आपकी आराम से जो है कवर हो जाती है जब इसका यूज़ करेंगे, और आपके कपड़ों को ज़्यादा समय तक जब नया बना के रखेगा, और इसकी जो है सुंदरता आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगी। ओके।